आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं वह खबर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों जो खबर आपको बताने जा रहा हूं उसका ताल्लुक है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश वही जहां आप कहते हैं कि रामराज चलता है, जहां आप कहते हैं कि योगी का शासन है, जहां भाजपा का शासन है, ये बताने की जरूरत भी नहीं है। कई बार यह आरोप लगते आए हैं कि भाजपा सरकार या योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपना तानाशाही रवैया अख्तियार कर रही है। जो लोग असहमति की आवाज़ उठाते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ में, सरकार की नीतियों के खिलाफ में, जो लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ में सरकार का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लोग तो ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को कुचला जा रहा है। अगर ये शब्द कहें तो अतिशयोक्ति मेरे ख्याल से नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमें इसका एक पुख्ता सबूत हमारे हाथ में लगा है। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। धीरेन्द्र प्रताप पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कई बार जो भी सरकार की गलत नीतियां होती उसका विरोध करते आए हैं। SC ST OBC के जो भी संवैधानिक हक हैं, अधिकार है, यदि कोई अत्याचार की घटना सामने आती है उसके खिलाफ में सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन भी करते हैं, एक आंदोलनकारी नेता के नाम से ये उभर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है। अब जुल्म क्या है? अब जुल्म यह है कि ये अपने घर में हैं। जुल्म यह है कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। जुर्म यह है, ये ज्योतिबा फूले और बुद्ध की बात करते हैं। जुर्म यह है, ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ में मुखर रहते हैं। जुर्म यह है कि ये सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, और जब ये सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है या इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों हम अच्छी तरीके से जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें जानता हूं, धीरेन्द्र प्रताप एक सुलझे हुए, एक समझदार, एक शिक्षित और कहीं ना कहीं संवैधानिक बात करने वाले एक युवा नेता हैं। लेकिन सरकार के इशारे पर जिस तरीके से पुलिस उनके घर में घुसकर आधी रात को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये बेहद निंदाजनक है। दोस्तों अब हमारी आप सभी से अपील है और ख़ासकर उन लोगों से जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन चलाते हैं, मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि धीरेन्द्र प्रताप को न्याय दिलाने के लिए आप लोग आवाज़ उठाएं। और यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज धीरेन्द्र प्रताप की बारी है तो कल आपकी भी बारी हो सकती है। देश आज़ाद है, देश में अंग्रेजों का शासन नहीं है, देश में चुनी हुई सरकार चल रही है, देश में लोकतंत्र लागू है, देश में संविधान लागू है, और ऐसे वक्त में कोई तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए इस देश के नागरिक का यदि शोषण करे, लोगों की आवाज दबाए, तो दोस्तों इसके खिलाफ में आवाज उठना चाहिए या नहीं चाहिए यह आपको ही सोचना है। दोस्तों मैं इसके बारे में ज्यादा ना बताते हुए जो गोरखपुर से जहां यह घटना घटित हुई है उसका वीडियो फुटेज, एक वीडियो संदेश जो हमें मंजेश कुमार ने भेजा है, मैं चाहता हूं उसे आप देखिए और आप तय करिए कि आप अपने स्तर से इस संबंध में क्या कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मंजेश कुमार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गोरखपुर में पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धीरेन्द्र प्रताप जी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और उन्हें फर्जी मुकदमा उनके ऊपर लाद करके उनको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों मैं इस घटना के बारे में आप सबसे कुछ जिक्र करना चाहूँगा। पुलिस जो फर्जी तरीके से उनके ऊपर मुकदमा लगाई है उसका पर्दाफाश करना चाहूँगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि माननीय धीरेन्द्र प्रताप जी के घर 17 तारीख की रात को 17-18 की रात को रात 2 बजे पुलिस इनके घर पर छापा मारती है, और पुलिस केवल वर्दी में नहीं बल्कि इनके साथ ज़्यादातर लोग सादे ड्रेस में थे, सिविल ड्रेस में थे, और ये लगभग 40-50 की संख्या में थे। 3 से 4 फोर व्हीलर गाड़ियाँ लेकर के आए थे और ये लोग बंद गेट को कूद करके, चोर एकदम फिल्मी स्टाइल में चोर डाकू की तरह गेट कूद करके घर के अंदर घुसे और घर के लोगों से बदतमीजी से पेश आने लगे, गाली गलौज करने लगे। उसके बाद जब घर वालों
और घर की महिलाओं और बच्चों ने जब उक्त घटना का वीडियो बनाना चाहा तो पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती उनका फ़ोन छीन लिया और उनके साथ भी अभद्रता करने लगे। दोस्तों, इन सब घटना के बाद जब धीरेंद्र प्रताप जी को और उनके भाई को ये लोग ले जाने लगे तो घर वालों ने पूछा कि आखिर किस मामले में आप इन लोगों को ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों ने उनको तनिक भी जवाब नहीं दिया, कोई वारंट नहीं दिखाया और इन लोगों को उठा करके ये जिस हालत में सोए थे कपड़ा भी पहनने नहीं दिया और इनको ले करके वहाँ से चले गए। किसी तरह चुप छुपा करके एक छोटा सा वीडियो बनाया गया जो इस वीडियो में मैं जोड़ दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके बाद अगले दिन इनको रात में ये बताया गया था कि हम कैंट ले जा रहे हैं, थाने ले जा रहे हैं, लेकिन जब अगले दिन परिवार के लोग कैंट थाने में पहुँचते हैं और पता करते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पे है या नहीं है और संगठन के लोग जब पहुँचते हैं तो वहाँ के आला अधिकारी कहते हैं, कैंट थाने के आला अधिकारी कहते हैं कि इसकी हमें जानकारी नहीं है, गिरफ्तारी जिसकी हुई है जिस नाम से आप बता रहे हैं उस नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे उसको डिटेन करके नहीं लाया गया है। उसके बाद परिवार के लोग भौचक्का रह जाते हैं कि आखिर हमारे बच्चों को लेके कहाँ रखा गया है, किस हालत में रखा गया है, परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। जब इनको कोई सूचना पुलिस के माध्यम से नहीं दी जाती है तो ये लोग मजबूरन SSP से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन SSP नहीं मिलते हैं इनसे। SSP महोदय के ऑफिस में ताला लगा होता है, अंदर से बंद रहता है, वो किसी मीटिंग में व्यस्त रहते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। मजबूरन इन लोगों को गोरखपुर DM से मुलाकात करनी पड़ती है। उसके बाद फिर DM साहब जो है बात करते हैं क्राइम ब्रांच से और तब जाके जानकारी मिलती है, मतलब कि अगले दिन दोपहर के बाद 12-1 बजे के बाद जानकारी मिलती है कि इनको क्राइम ब्रांच की टीम उठा के ले गई है और उनको वहाँ पे रखा गया है। ये एक तरह से सरासर गलत और असंवैधानिक है कि किसी को डिटेन करना और ना बताना कि उसको कहाँ ले जाया जा रहा है और किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद आनन फानन में DM के आदेश के बाद उनको मुलैया कराने के लिए सदर अस्पताल लाया जाता है और सदर अस्पताल लाने के बाद कचहरी लाया जाता है और उसके तुरंत बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद जब हमको FIR की कॉपी मिलती है तो FIR में जो लिखा रहता है, जो यहाँ के बेतियाहाता के जो चौकी इंचार्ज हैं मानी चतुर्वेदी जी, जो चौकी इंचार्ज हैं, वो जो चीज़ इस FIR में लिखे हैं वो एकदम से एक सिरे से पूरी तरह से एकदम गलत है, सिरे से पूरी तरह से सरासर एक प्रत्यारोप है, झूठा आरोप है। इसमें वो लिखते हैं कि ये दोनों भाई एक सातिर अपराधी के साथ जो है बाहर घर से कुछ दूरी पे खड़े रहते हैं किसी घटना को अंजाम देने के लिए, और ये बताते हैं कि जब इनको पुलिस ने घेरा तो ये लोग उस अपराधी को बचाने के लिए पुलिस से धक्का मुक्की करते हैं और अपराधी जो है गोली चलाते हुए भाग जाता है। ये आरोप लगा करके इन लोगों ने ये धाराएं लगाई हैं, जबकि ये एकदम सरासर गलत मामला है। ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं, दरअसल घर के बाहर कोई गया नहीं, जो भी मामला हुआ है वो घर के अंदर, पुलिस घर के अंदर आकर के इन लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गई है, लेकिन FIR में ये लोग लिखते हैं कि घर के बाहर का मामला है। इसका वीडियो फुटेज हमारे पास है, वीडियो ये लोग बनाने नहीं दे रहे थे, वीडियो मोबाइल छीन लिया जा रहा था, माननीय धीरेंद्र प्रताप जी का भी मोबाइल ये लोगों ने छीन करके अभी तक नहीं दिया है, इन लोगों ने रखा है। उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप है हमारे पास सबूत के तौर पे कि घर में घुस करके किस तरह से ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, किस तरह से उनको बाहर डिटेन करके ले गया है। और ये FIR में लिखते हैं कि ये उक्त घटना जो है बाहर की है। दरअसल आप लोगों को मालूम होगा कि माननीय धीरेंद्र प्रताप जी जो इनका संगठन है पूर्वांचल सेना, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पिछले 2006 से ही लगातार जितने भी सरकार चाहे जो भी रही हो उसकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। समाज में जितने भी शोषित वंचित बेरोजगार भ्रष्टाचार के जो मुद्दे आते हैं उन पे ये मुखरता से बोलते रहते हैं, सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। साथ ही साथ प्रशासन अगर कहीं पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाती है तो उसके प्रशासन के खिलाफ भी ये मुखर होकर के बोलते हैं। यही प्रकरण अभी मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो संविदा का मामला आया है, जो 5 साल नौकरी से पूर्व आप लोगों को संविदा पर नौकरी करने का जो फरमान योगी सरकार के द्वारा आया गया था उस पर भी इन्होंने मुखर होकर के बोला था और ज्ञापन दिया था। उससे पहले यहाँ पे एक कुसमौल गांव है, वहाँ एक सहायक प्रधान है, ठाकुर प्रधान है, जो वहाँ के एक युवा प्रत्याशी जो चमार जाति से था, SC कैटेगरी से था, उसने जब अपना एक पर्चा लगाया कि मैं भी यहाँ से ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार चुनाव लड़ूंगा, तो उस प्रधान ने उस
दलित व्यक्ति के पास फोन करके उसको भद्दी भद्दी गालियां दी, उसको जाति सूचक गाली दी, यहां तक कि पूरे हरिजन बस्ती को, पूरे बस्ती को जला देने की धमकी दी। और प्रशासन इस पे मौन रही, प्रशासन मूक दर्शन। इस मामले को लेकर भी पूर्वांचल सेना अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप जो है आंदोलनरत रहे और डीएम और जो एसएसपी थे उनको ज्ञापन दिया। ये सब मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री के शहर में जब एसएसपी और इन लोगों ने देखा कि केवल यही संगठन और यही आदमी बोल रहा है, तो इसके ऊपर शिकंजा कसने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है और उसी षड्यंत्र के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके ऊपर फर्जी मुकदमा लाद करके इनको जो है जेल भेजने का काम किया गया है। तो हम पूर्वांचल सेना के लोग, छात्र संगठन ASUR के लोग, हम इस तानाशाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक सच्चाई पहुँचाएँ। इन लोगों ने ये जो उक्त मामला जो FIR में लिया है, माननीय धीरेन्द्र प्रताप जी की जो राजनीतिक छवि एक बन रही थी, सामाजिक छवि ऊँची हो रही थी, उस छवि को धूमिल करने के लिए, उस छवि को बर्बाद करने के लिए ये लोगों ने सेम यही प्रकरण यहाँ के मीडिया में भी, यहाँ के समाचार पत्रों में दे दिया गया है, जिससे इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रहा है। इनका जो सामाजिक कद था, जो राजनीतिक कद एक बढ़ रहा था, उसको धूमिल किया जा रहा है सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, और मीडिया में भी लगातार यही खबर, हम लोगों ने जो सही मामले का पत्र लिख करके मीडिया में दिया गया था, उसकी एक लाइन भी छपाई नहीं गई थी। तो ये सीधा सीधा पता चलता है कि मीडिया के ऊपर भी इन लोगों ने शिकंजा कस करके मीडिया के लोगों को सख्त निर्देश दिया गया है कि इनके संबंध में, इनके पक्ष में एक भी लाइन छापे ना। तो मैं जितने भी सोशल मीडिया के, जितने भी बहुजन मीडिया चैनल के लोग हैं, उन सबसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को लेकर के शेयर करें, अपने मीडिया चैनल के माध्यम से लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की कृपा करें। हम आप सभी के आभारी रहेंगे। और बाकी ये जो तानाशाही पूर्ण सरकार का रवैया है, इसको हम पूर्वांचल सेना के लोग, छात्र संगठन ASUR के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर संवैधानिक ढंग से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ा नहीं गया, तो अभी हम संवैधानिक दायरे में रह करके उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, जो भी संवैधानिक पूर्ण कार्य है उसको कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो हम सड़क पे हुई उतरने के लिए बाध्य होंगे। पूरी टीम आई है, पूरा हुआ था, आपके परिवार साक्षी बता रहे